नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। कहते हैं ना, अपने घर में जब आग लगती है तभी बंदा चिल्लाता है, या अपना कोई नुकसान होता है ना तभी बंदा फड़फड़ाता है कि हाँ वाह भैया यूपी पुलिस, आपको क्या बोलें, बहुत बढ़िया काम किए हो। मतलब अपने 8 बंदे मर गए तब आप जाग गए, वो गैंगस्टर आपको नज़र आ गया, हाँ विकास दुबे एक गैंगस्टर है, इसको अब ख़त्म करना है। जब यार उसके ऊपर पहले 60 केस चल रहे थे तब कहाँ यूपी पुलिस सोई हुई थी। ये नहीं कहता कि मैं हाँ सारे पुलिस वालों को, सारे पुलिस वाले ख़राब हैं या कुछ हो रहे हैं, मैं उन पुलिस वालों की बात कर रहा हूँ जो उसके साथ मिले हुए थे, उन नेताओं की बात कर रहा हूँ जो उसके साथ मिले हुए थे। आज अपना फंसने का टाइम आ गया तो इनकाउंटर खत्म बंदा। सही है, खैर बहुत अच्छा लगा एक गैंगस्टर इनकाउंटर में मारा गया। ऐसा होना चाहिए, हर गैंगस्टर कोई इनके लिए वो नहीं है, रहम नहीं होना चाहिए। ये एक गैंगस्टर है भैया, गैंगस्टर को तो सीधा इनकाउंटर बड़ा अच्छा लगता है सुनने में। ये हमारे देश में दीमक है, दीमक का इलाज यही है। लेकिन यार सोचने वाली बात ये है, उस बंदे पे इतने टाइम से इतने केसेस चल रहे थे तब किसी ने मतलब कोई चू भी नहीं, तब पुलिस सो रही थी। क्यों भैया इतना पैसा दिया जा रहा था आप लोगों को कि आपको आंखें बंद करनी पड़ी अपनी, बिल्कुल शांत बैठे थे। 8 पुलिसकर्मी मरे, पता चला मीडिया में खबर आ गई, अब तो भैया एक्शन लेने का टाइम आ गया है, अब हमसे बड़ा दबंग कोई नहीं है ना। चुलबुल पांडे, सारे चुलबुल पांडे बन गए अब। नहीं, कानून व्यवस्था को मजबूत करना पड़ेगा। मेरा सभी पुलिस कर्मियों से, कानून व्यवस्था को संभालने वाले लोगों से एक निवेदन है, ये विकास दुबे जैसे गैंगस्टर एक दिन में नहीं बनते हैं कि हाँ आज उठे गैंगस्टर बन गए, हो गया काम हमारा। जिस दिन ये पहला अपराध करें, ये जो लेके छोड़ दिया जाता है ना, समझ रहे हो, ये लेके छोड़ देने का काम बंद हो जाएगा ना, जिस दिन ये गैंगस्टर बनने बंद हो जाएंगे। मुझे बड़ी खुशी हुई कि हाँ ये गैंगस्टर मारा गया, लेकिन एक चीज़ का छोटा सा अफसोस ये है कि उसके थ्रू कितने ही ऐसे करप्ट, हाँ क्लियर भाषा में बोलता हूँ, करप्ट लोगों का पता चलता जो हमारे देश में दीमक का काम कर रहे हैं, इन गैंगस्टरों को बना रहे हैं। वो गैंगस्टर अकेला, वो गैंगस्टर नहीं मारा गया, उसके साथ वो सारे सबूत मारे गए जो उन दूसरे गैंगस्टर, वर्दी वाले गैंगस्टर, टोपी वाले गैंगस्टर, उन सबके खिलाफ जो गवाही मिल सकती थी उसके थ्रू, वो सब खत्म हो गया। दोस्तों मैं सवाल नहीं उठा रहा हूँ, पुलिस पे सवाल उठाना, अपने देश पे सवाल उठाना मेरे उसमें नहीं है मोटिव में, मैं अपने देश पे सवाल नहीं उठा रहा। मैं एक तथ्य बता रहा हूँ कि क्या गलत है। जिस चीज़ को रोका जा सकता था, बहुत पहले रोका जा सकता था, एक गैंगस्टर को बनने से रोका जा सकता था, तो उस टाइम पे क्यों नहीं रोका जाता उसको। पहला कत्ल करता है, पहला केस आता है तो उसी टाइम उसको क्यों नहीं रोका जाता, क्यों छोड़ दिया जाता है पैसे लेके। ये करप्शन का इतना गंदा काम है देश में, गैंगस्टर बनाना, अपराधी को बढ़ावा देना कि कोई बात नहीं भाई
पकड़ा, तू इतने पैसे, तू छूट गया, आगे के लिए हौसला मिल गया कि हाँ अरे एक गोली मारनी है, 2 लाख पकड़ाने हैं या इतने पकड़ाने हैं और आजाद, पैसे ही तो चाहेंगे, हमारा काम हो जाएगा, मेरा यूपी पुलिस से हाथ जोड़ के निवेदन है, सर आपने बहुत अच्छा काम किया, गैंगस्टर को मारा, मैं इस चीज़ की प्रशंसा करता हूँ आपके लिए, लेकिन ये काम आपको बहुत पहले करना चाहिए, पहला केस आते ही आपको उसके उस पर एक्शन लेना चाहिए, गैंगस्टर को बनने मत दो, ये गैंगस्टर देश पे दीमक हैं, और वो पुलिसकर्मी भी, वो नेता लोग भी जो इन गैंगस्टर को छुड़वाते हैं या पैसे लेके छोड़ते हैं, मतलब उस बंदे पे 60 केस थे भैया, 60 केस, कोई मतलब नहीं, आजाद घूम रहा है, मतलब मर्डर करो आजाद घूमो, है ना, अपने घर में गोली लग गई तो भाई अब नहीं छोड़ेंगे, अब तो खत्म करना है, हमारे बंदों को मारा ना भाई, हमारा घर जलने वाला है ना, अब हमारे कितने बंदे पकड़े जाएंगे, खत्म करो, हाँ गलत है ये चीज, गलत है ये, सवाल नहीं है ये, किसी भी तरह से यूपी पुलिस के ऊपर नाकामी नहीं है, लेकिन ये एक करप्ट पुलिस वालों की जीत है, जितने भी ये करप्शन में डूबे हुए पुलिस वाले हैं, ये नेता लोग हैं ना जो इन लोगों को बढ़ावा देते हैं, ये इन लोगों की जीत है, आपने इन लोगों को जितवाया है, मतलब बंदा सरेंडर हो गया, उसको ले जा रहे हो, एक फिल्मी कहानी चल गई, हमारे 8 को मारा था, तुम्हें भी ठोकेंगे, ठोकना गलत नहीं था यार, 2 दिन का वेट कर लेते, कम से कम 5-10 पुलिस वालों का या 5-10 उन करप्ट नेताओं का ही नाम आ जाता, क्या बिगड़ जाता, अरे कम से कम ये दीमक, 5-10 दीमक तो मरती, 5-10 दीमकों को तो आप लोग पकड़ते, बाय द वे जो भी है अच्छा है, यूपी पुलिस गैंगस्टरों को ऐसे ही खत्म करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, देश आपके साथ है, देश आपके साथ है, पुलिस वालों आप लोगों के साथ खड़े हैं हम लोग, लेकिन आपको भी आम जनता के साथ खड़ा होना पड़ेगा, नहीं सोना पड़ेगा, जब 60 केस हुए थे तो आप सोए हुए थे, आप क्यों सोए थे उस टाइम पे, आज कितने ही क्रिमिनल घूम रहे हैं रोडों पे, उनके आज आपको मिल रहे हैं तो आप उनको ठोक दे रहे हो, मतलब उस टाइम की जनता पे केस थे ना, जनता के ऊपर सवाल आ रहे थे, जनता के ऊपर परेशानियां आ रही थी, जनता भी आपके साथ है, अगर आप जनता के साथ हो, सच्चे दिल से साथ हो, बोर्ड लगा देने से साथ नहीं, कि हम लोग आपके साथ हैं, सच्चे दिल से साथ होना पड़ेगा यूपी पुलिस। खैर थैंक यू वेरी मच यूपी पुलिस कि आपने एक गैंगस्टर का खात्मा किया।